हेलो गाइज, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको पंजाब नेशनल बैंक से रिलेटेड हर एक समस्या का सॉल्यूशन अपने कुछ लास्ट वीडियो में आपको कम्प्लीटली बताया है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम कुछ नया सीखने वाले हैं, जिसमें कि आपको हम बताने वाले हैं कि कैसे आपको अपना आधार कार्ड अपने पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना है, वो भी सिर्फ आपको घर बैठे। जी हाँ दोस्तों, आपको बैंक जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से अपना आधार कार्ड अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं। तो आपको वीडियो को कम्प्लीटली लास्ट तक देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड, हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको किसी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, जो भी ब्राउज़र आप यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है pnbindia.in, जैसा कि पहले ही ऑप्शन पर आ चुका है। उसके बाद आपके सामने एक और नया पेज कुछ तरीके से डिस्प्ले हो जाता है, जहां पर आपको बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिल जाएंगी। वहीं पर आपको लेफ्ट कॉर्नर पर एक ऑप्शन मिलता है मेनू का, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे। तो आपको मेनू पर सिंपल सा टैप कर देना है। मेनू पर टैप करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज मिल जाएंगी। तो आपको नीचे स्क्रॉल करते आ जाना है, जहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट आधार का। तो आपको अपडेट आधार पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। फ्रेंड, आपको यहाँ पर दो निर्देशों का पालन करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक होगा। पहला वाला है कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, जो कि बैंक खाते के साथ लिंक होता है। और सेकंड नंबर पर आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप रजिस्टर करवा लें, उसके बाद ही आप लिंक कर पाएंगे। उसके बाद आपको यहां पर क्लिक हेयर फॉर OTP बेस्ड आधार सीडिंग पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक और पेज आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है, जहां पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर फिल कर देना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हम अपना बैंक अकाउंट डाल देते हैं। दोस्तों, अब आपके सामने एक और नई विंडो आपके सामने खुलकर आ जाएगी, जहां पर आपको अपना OTP डालना है, जो कि आपका मोबाइल नंबर पर आ चुका होगा। वहीं पर सेकेंड ऑप्शन आपको कैप्चा को फिल कर देना है। देन उसके बाद वैलिडेट पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर इसको फिल कर देते हैं। दोस्तों, अब आपके सामने एक और नया पेज डिस्प्ले हो जाएगा, जहाँ पर आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर शो हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रोसीड फॉर आधार वेरिफिकेशन पर टैप कर देना, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। नेक्स्ट पेज में आपको अपना आधार कार्ड डाल देना है और एस पर क्लिक करके कंटिन्यू पर सिंपल से टैप कर देना है। तो हम फिल कर लेते हैं। दोस्तों, अब आपको यहाँ पर OTP को फिल कर देना है। जो भी OTP आपके मोबाइल पर आया है तो आप सिंपल सा फिल कर दें। OTP फिल करने के बाद आपको वैलिडेट कर देना है। तो हम वैलिडेट कर देते हैं। गाइस, तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि आधार डिटेल कैप्चर सक्सेसफुल, यानी कि आपकी आधार डिटेल है वो सक्सेसफुली कैप्चर कर ली गई है। आपको अब 24 से 48 घंटों के अंदर आपका आधार कार्ड लिंक हो जाएगा। जी हां दोस्तों, तो लिंक हो जाए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।